ये अगली चुनावी खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। कश्मीर घाटी में इस बार हुए अच्छे मतदान के बाद छठे चरण में होने वाले अनंतनाग राजौरी लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने स्वीप अभियान के जरिए इलाके के लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की है। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और मतदान के महत्व को समझाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अहरबल पर्यटक इलाके में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों, एनसीसी कैडेट और पर्यटकों को घुड़सवारी करवाने वाले घुड़सवारों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए मतदाताओं को हम हर सुविधा मुहैया कराएंगे। 25 तारीख को सबसे पहला कोई ऐसा काम करना है तो वोट करना है। वोट की अहमियत आपके ही सामने, यहाँ के जो नौजवान और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वोट की अहमियत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई है। अपेक्षा करता हूं कि जैसा टर्नआउट वोटर परसेंटेज दूसरे जिले में रहा है, कहीं उससे ज्यादा अच्छा टर्नआउट कुलगाम में भी होगा। वहीं पहली बार वोट डालने के लिए तैयार युवा मतदाताओं ने अनोखे तरीके से अपनी कला के जरिए पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी में मतदान की अपील की। अहरबल घाटी में दिव्यांग मतदाता और लोक कलाकार एजाज अहमद ने भी अपने गीत के जरिए वोट का महत्व बताया। अहरबल एक पर्यटक इलाका है जो कि बर्फ से घिरी घाटी के कारण काफी मनमोहक दिखता है। मतदाता जागरूकता अभियान में घाटी और आसपास के ग्रामीणों ने संस्कृति और कला के माध्यम से मनमोहन तरीके से अपना प्रदर्शन भी किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। आपस में जोर आजमाइश करते हुए ये युवा पहली बार वोट डालेंगे और इस वोट की ये ताकत है कि वो अपनी ऐसी नुमाइंदगी संसद में पहुंचाएंगे जो इनके लिए काम करें। निश्चित तौर से जो ये काम मतदान का यहाँ पर ये करने वाले हैं, इनके बीच जो उत्साह है वो इनकी टग ऑफ वार में भी दिख रहा है। ये हर हाल में लड़ने के लिए और जूझने के लिए तैयार हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अहरबल। तो जनादेश में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को